बेटा हाँ माँ। बेटा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्या? वो मुझे और तेरे पापा को खाटू श्याम जाना है। माँ एक बात बताओ, पैसे का पेड़ पे उगते क्या? जब भी आप मेरे पास आती हो बस पैसा 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 मांगते हो, यहाँ जाना वहाँ जाना, उसके घर जाना है वहाँ जाना है। आपको ऐसे क्यों बोल रहा है तू? हमें तीर्थ पे जाना और तुम्हारे लिए तो मन्नत मांग रखी थी हमने। माँ ऐसा है कि हमारे लिए कोई मन्नत मांगने की जरूरत नहीं है। आपको पता भी है कि मैं और निकिता कितनी मुश्किल से पैसे कमा के लाते हैं। दिन भर काम करते तब जाके पैसे कमाते हैं हम लोग। और आप जब भी मेरे पास आओगे पैसे की डिमांड करोगी। और किसी की डिमांड करती हो आप? दिन भर पापा तो बिस्तर पे ऐसे पड़े रहते हैं, ऊपर से उनकी दवाइयां दवाइयों के खर्चे, ऊपर से आपको घूमना रहता है, पापा को ले घूमना है, पापा को ले घूमना है। जैसे पैसे पेट पे उगे हुए हैं। पैसे नहीं मेरे पास। अरे इस टाइम कौन आया होगा? अरे आंटी जी आप? नमस्ते। नमस्ते बेटा। आइए ना अंदर आइए। बैठिए ना आंटी जी। कैसे हाल हो आपका? वैसे आप चाय लेंगे या कॉफी? नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है? हाँ बेटा आओ बैठो ना। वो बेटा कहते हुए कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही। आंटी जी ऐसी क्या बात है बताइए ना मुझे। आप किराए की बात करने आए हैं? लेकिन आंटी जी किराया तो हम लोग 1-2 तारीख में दे देते हैं आपके बेटे के अकाउंट में। नहीं नहीं बेटा मुझे किराए के बारे में बात नहीं करनी, मुझे कुछ और बात करनी थी तुमसे। बेटा वो मैं कह रही थी कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मेरी हेल्प करोगी? जी आंटी जी बताइए ना, मैं बिल्कुल करूँगी आपकी हेल्प। बताओ क्या बात है? बेटा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, बदले में मैं तुम्हारे घर का काम कर दूँगी, तुम मुझे पैसे दे देना। आंटी जी पैसों की? आपको क्या पैसों की ज़रूरत पड़ गई? आपका इतना बड़ा मकान है, आपका इतना किराया आता है और आप पैसों की बात कर रहे हैं? वो बेटा घर का किराया और बिजनेस का सारा पैसा बेटे के पास रहता है। बेटे बहू का कहना है कि आपको खाने के लिए पहनने के लिए दवाई सब कुछ तो मिल रहा है, फिर आपको पैसों की क्या ज़रूरत है? आंटी जी सब तो आपको मिल ही रहा है तो पैसों की क्या ज़रूरत है? आंटी जी भैया भाभी आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते क्या? 3 टाइम का खाना भी देते हैं या नहीं? बेटा 3 टाइम का खाना देना है, केयर करना होता है तो वो मेरी केयर करते हैं, लेकिन लेकिन अपनी कुछ इच्छाएं कुछ फरमाइश हम नहीं कर सकते। बेटा बहू के आने से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से बहू आई है तब से सारा पैसा बिजनेस का सारा लेन देन सब बेटे बहू के हाथ में, वो मुझे एक भी पैसा नहीं देते। आंटी जी भैया ऐसे कब से हो गए, पहले तो नहीं थे? बेटे से पैसे मांगती हूँ तो वो नहीं देता और बहू से मांगती हूँ तो वो भी नहीं देती। मैं तो अपने ही घर में नौकरानी जैसा महसूस करने लगी हूँ बेटा। माँ बाप तो बिना कहे ही अपने बच्चों की हर बात जान लेते हैं, लेकिन लेकिन अगर माँ बाप अपने बच्चों से कुछ फरमाइश करें तो वो उन्हें फिजूल खर्ची लगता है। बेटा माँ बाप अपने बच्चों पर सब कुछ लुटा कर भी खुद को अमीर समझते हैं और ये बच्चे, इन बच्चों से थोड़े से पैसे क्या मांग लो, इन्हें ये फिजूल के पैसे लगते हैं। इसलिए मैंने सोचा कहीं बाहर जाके काम करने से अच्छा है क्यों ना तुमसे बात कर लूँ, घर की बात घर में रह जाएगी और मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे अब खर्चे के लिए। जब मेरा बेटा और बहू काम पर चले जाएंगे तब मैं तुम्हारे यहाँ पे आके काम कर दिया करूँगी, इससे मेरी और तुम्हारे अंकल की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। बेटा
तुम्हारे अंकल जी बीमार रहते हैं, उनसे कुछ काम नहीं हो पाता और कुछ दिनों से वो रट लगा के बैठे हैं कि खाटू श्याम जाना। और मेरे बच्चे तो कहते हैं इस उम्र में बाहर जाके क्या करना है, ये फिजूल खर्ची है। अब बताओ बेटा मैं क्या करूं? आंटी जी, खाटू श्याम जाने के लिए मैं आपको पैसे दूंगी, आपको मेरे घर में काम करने की जरूरत नहीं है। और अंकल जी और आपकी जितनी भी छोटी छोटी जरूरतें हैं उन सबके लिए मैं पैसे दूंगी। और आप टेंशन मत लीजिएगा, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी। नहीं बेटा, मैं मेहनत करके ही अपनी और इनकी जरूरतें पूरी करूंगी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, कोई कर्जा नहीं। लेकिन आंटी जी, कोई बात नहीं बेटा, मुझे माफ कर देना अगर मेरी वजह से कोई दिक्कत हुई हो तो। मैं चलती हूँ। सुनिए आंटी जी, बैठिए, आज से आप मेरे साथ मेरे ही घर में सारे कामों में मेरा हाथ बटाइएगा और ये बात सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच में रहेगी, आप टेंशन मत लीजिए। बेटा बेटा जीती रहो, सदा खुश रहो। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है आंटी जी। हेलो। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। मम्मी जी, आज तक मैंने आपको कभी परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, लेकिन तू आज ऐसी बातें क्यों कर रही है? मम्मी जी बताइए ना। नहीं बेटा, जिसको इतनी प्यारी बहू मिली हो परेशान कैसे कर सकती है, क्या हुआ बोल। मम्मी जी आप मुझसे एक वादा करोगे? हाँ बता। और वादा क्या बोल रही है तू? मम्मी जी, अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे शेयर करोगे ना? बेटा तुझे आज क्या हो गया है? अच्छा ठीक है, पक्का वादा। ठीक है मम्मी जी, ध्यान रखिए अपना। ठीक है बेटा, खुश रहे।